हेलो फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैसी बुसरा गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी की डिमांड पर मैंने ये प्लांट पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप सभी की ये डिमांड थी, आपको ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए मेरा ये प्लांट, और इसके जो पुराने फूल थे वो निकल चुके हैं, और नई ब्रांचेस के ऊपर ये देखिए। ये प्लांट का नाम ब्लीडिंग हार्ट है। जो भी भाई बहन ने पहले ये वीडियो नहीं देखा वो देखिए, इसका पार्ट वन देखिए फ्रेंड। और ये देखिए, तब एक ही ब्रांच के ऊपर ये फ्लावर लगे थे, अब ये देखिए इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये एक ब्रांच, ये दो, इसके ऊपर ये देखिए, और अजी आ रहे हैं, कलियां बन रही है। और ये तीसरी ब्रांच है, और ये देखिए ये नीचे से अलग चौथी ब्रांच है, और ये ऊपर से अलग पांचवी तरफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, और अभी एक और जगह से ये फ्लावर निकलेंगे। ये देखिए यहाँ से भी ये फ्लावर निकलेंगे। ये बर्ड्स रेडी हो चुकी हैं, और इस तरह से ये प्लांट की ग्रोथ पूरा विंटर सीजन चलेगी। और इसे मैंने कुछ भी अभी तक कोई कॉम्पोस्ट नहीं दिया है, और अभी मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। मैं बस इसे रेगुलर पानी देती हूँ, दो दिन में अभी एक बार देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है, अमुक बार बादल की मौसम हो जाता है, तो मौसम के हिसाब से मैं इसे पानी दो दिन में एक बार दे रही हूँ फ्रेंड। और देखिए मैंने कोई पॉट भी चेंज नहीं किया है, लास्ट टाइम जो वेस्ट मटेरियल में था वही है। और इसके लीव्स देखिए, इसकी साइज़ भी बढ़ रही है फ्रेंड्स। पहले इसकी लीव्स की साइज़ एकदम छोटी छोटी थी, लास्ट ईयर मैंने जब इसे लिया था, क्योंकि दोनों प्लांट एकदम स्लो चल रहे थे और इसके लीव भी नहीं बन पा रहे थे, एक या दो मांड मतलब लीव निकल रहे थे। और ये बारी देखिए, ये लीव्स देखिए, इसकी साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े निकल रहे हैं, और इसमें से इतनी सारी ब्रांचेस भी निकल रही है। और मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है ये प्लांट को लेके, कि मैंने इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं की, ना ही कॉम्पोस्ट दिया और ना ही इसके कुछ और किया, तो भी इसका रिजल्ट इतना अच्छा है। और इसमें बर्ड्स पे बर्ड्स आ रही हैं, फ्लावर खिल रहे हैं। बस इसे तुम अपने बस इंडोर टाइप समझने का ये प्लांट को, कि इसे बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए। मांड एक दो घंटे की जो धूप होती है, जो बहुत ज़्यादा 12 बजे वाली ना हो, तेज़ ना हो, ऐसी धूप में इसे रख सकते हैं फ्रेंड्स। या तो फिर थोड़ा उजाला जिसे हम कहते हैं, वो उजाला भी इसे चल जाता है फ्रेंड। इसे सर्दी वाला प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा धूप का प्लांट है ही नहीं, ये ठंडे इलाकों में होता है। और आप इसे कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे भाई बड़े पॉट में लगाओ, आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बस पॉट की साइज़ आपके प्लांट के हिसाब से आप पसंद करें, कि आपके प्लांट की जो साइज़ है वो क्या है, उसकी जो सीट आती है बनी हुई, हम जब प्लांट खरीदते हैं नर्सरी से, तो उसके साथ नीचे सीट भी आती है ब्लैक प्लास्टिक बैग में, तो उसके सीट के हिसाब से आप उसको पॉट को चुनें और इसे अच्छे से पॉट में लगा दें। और ये विंटर सीजन इसके फ्लावर देखें आप, खूबसूरत से ये जो वाइट आप देख रहे हैं, इसके अंदर से एक रेड कलर का निकलता है, उसे वो हार्ट शेप में होता है, ये बहुत ही खूबसूरत जब निकलता है तब लगता है। और ये तीन दिन तक तो रहता ही है फ्रेंड। देखिए इसके अंदर अभी वो रेड कलर का बना नहीं है, वो वाइट ही है, धीरे धीरे बन जाएगा तो निकलेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तब अंदर से एक निकला हुआ था। इस तरह इसमें रोज कुछ ना कुछ होता है ये प्लांट में मेरे, इतने दिनों से इसमें इतनी सारी ब्रांचेस निकल आई, इतने सारे फ्लावर निकल आए, और उसका रेड हिस्सा भी निकल आया, और मुझे लगता है कि ये और भी ग्रोथ करेगा। ये देखिए इसकी एक अक्खी नीचे से ब्रांचेस अलग सी आ रही है, और इसके ऊपर और नीचे से एक और ब्रांच आने वाली है ऐसा लगता है फ्रेंड। तो इसकी अभी ग्रोथ और फास्ट होगी मेरे हिसाब से, जैसे ही सर्दियों की सीज़न मतलब बैठ जाएगी, अभी तो गर्मियाँ लग रही है, बट जैसे ही सर्दी की सीज़न बैठ जाएगी फ्रेंड, तो
ये प्लांट की ग्रोथ और भी फास्ट होगी, यानी और ब्रांचेस और फ्लावर और कलियां। तो आप ये प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और इसे गर्मियों में बचाने की भी कोशिश करें। कोई भी बड़े आपके जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी जो फ्रूट के प्लांट होते हैं, उसके नीचे रख दें बचाने के लिए, या तो फिर इसे घर में रख लें, एसी वाले कमरे में भी रख सकते हैं आप, और अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ धूप आती ना हो गर्मी की सीज़न में, आप वहाँ रख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा समर सीज़न इसके पत्ते निकाल देता है फ्रेंड, और ये एकदम अजीब सा लगने लगता है बिना पत्तों के, ऐसा लगता है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कई लोग इसे ऐसा समझते हैं कि ये अब मर गया प्लांट तो इसे फेंक के दूसरा लगा दिया जाए, तो वो प्लांट मरा नहीं होता फ्रेंड, उसकी सीज़न आती है और ये फिर से फ्लावर और लीव्स निकाल लेता है अपने आप, और इसके अंदर फिर से ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। तो आप इसे निकाल के ना फेंकें, जब इसके ऊपर लीव्स और बर्ड्स या फ्लावर कुछ ना हो तब भी इसे निकाल के ना फेंकें, और इसे रखें ठंडी जगह पर और इसे बचाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इस पर और जब फ्लावर और ब्रांचेस आएंगे तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स, और आपको सभी को दिखाऊंगी। ये वाला प्लांट आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बस इसे मैं बचा पाऊँ कैसे भी करके धूप में। ज़रूर ऐड करें और मेरी को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।